राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्पेशल रथ के आगे बैठ गए लोग। लालू यादव के सामने अपनी मांग को लेकर बस के सामने प्रदर्शन करने लगे कुछ लोग। दरअसल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव करीब 6 साल बाद अपने कर्मभूमि छपरा पहुंचे थे। रौजा में बन रहे राजद के क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद छपरा के सर्किट हाउस पहुंचे थे लालू। वहां अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद जैसे ही अपने मॉडिफाइड बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़े, कुछ लोग अपनी मांग को लेकर उन्हें घेर लिए। सुरक्षाकर्मियों के द्वारा आनन फानन में उन्हें सुरक्षित बस में बैठाया गया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बस के सामने ही बैठकर धरना दे दिया। प्रदर्शन करने वाले राजेंद्र स्टेडियम के पास के झुग्गी झोपड़ी वाले थे, जिनकी झोपड़ी हर बार रावण दहन के समय हटा दी जाती है। वे अपने लिए स्थायी आवास की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि हमेशा वोट हम लोग लालू यादव को ही देते हैं, इसलिए आपसे सहयोग चाहिए, हमारे लिए रहने का व्यवस्था कीजिए, प्रशासन बार बार हमारी झोपड़ी हटा देती है। वहीं मंत्री जितेंद्र राय बस से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि उनका संदेश और उनके द्वारा लिखित आवेदन को लालू यादव तक पहुंचा दिया गया है, हम उस पर ध्यान देंगे। जितेंद्र राय के आश्वासन पर लोग उठ जाते हैं और लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वहीं थोड़ी दूर आगे कुछ सफाई कर्मी भी प्रदर्शन कर रहे होते हैं और रस को रोक देते हैं, जिन्हें फिर से मंत्री जितेंद्र राय के द्वारा समझाया बुझाया जाता है और समझा बुझा कर हटाया जाता है। हम आगे विधायक को चलिए कंसनर है।